नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नई अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, हाल ही में सीबीटी की मीटिंग हुई थी 31 अक्टूबर 2023 को, जिसके मिनट्स ऑफ मिनट जो होते हैं वो ईपीएफओ ने रिलीज किए हैं और इसमें बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी खबर है। सीबीटी की मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल फैसिलिटी को लेकर क्या डिस्कशन हुआ है और क्या निकल कर आया है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएसी की राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार आंदोलन करनी है, धरना प्रदर्शन कर रही है और मिनिमम 7500 प्लस मेडिकल भत्ते की मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सीबीटी और लेबर मिनिस्ट्री की बात करें तो वहां कुछ और ही चल रहा है जो इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमें देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये 18 जनवरी 2024 को ही ये मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए हैं, लेकिन जो मीटिंग हेल्ड हुई थी है 31 अक्टूबर 2023 को मीटिंग हुई थी सीबीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग इन्होंने 18 जनवरी 2024 को जारी किए। अब मोटा मोटी बात इसमें बहुत सारा डिटेल में है, 24 पेज है पूरे, लेकिन अब मोटा मोटी जो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर जो बात निकल कर आई थी इस पूरे में वो है पेज नंबर 5 पर। मैं तो जल्दी से आपको पेज नंबर 5 पर लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सीलिंग शुड बी रेज्ड टू एटलीस्ट मैच द ईएसआई वेज सीलिंग, एडिशनली द मिनिमम पेंशन शुड बी इंक्रीज टू ₹3000। ही साइटेड द राइजिंग सीपीआई सिंस द इनिशियल अनाउंसमेंट ऑफ ₹1000 मिनिमम पेंशन। ही मेंशन्ड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन टू इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन एंड रिक्वेस्टेड दैट दिस इशू बी डिस्कस विद देम। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट की गई है जो हमारे एम्प्लॉई से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके द्वारा के जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया जाए। तो दोस्तों एक तरफ तो डिमांड हम कर रहे हैं एनएससी की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, अशोक रावत जी और विभागीय समिति आए वो 7500 प्लस डीए की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो 3000 को लेकर ही चल रही है, यानी कि 1000 तो ऑलरेडी अभी चल रही है उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया जाए। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। अभी मैं बताऊँगा इस मीटिंग में कौन कौन उपस्थित है, तो आप भी देख सकते हैं कि वही लोग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो आंदोलन चलता है तो वही लोग आकर आश्वासन देते हैं कि आपकी जो मांगे हैं 7500 उसको बढ़ा दी जाएगी, और वही लोग इस मीटिंग में भी उपस्थित हैं और जो डिमांड 3000 की जा रही है उस पर भी वो आपत्ति जता रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे आप देख सकते हैं कि द ही मेंशन दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड रेज ऑब्जेक्शन, यानी कि इंक्रीज मिनिमम पेंशन इंक्रीज करने का ये वाला भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एक तरफ कुछ खेल चल रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, और एक तरफ सीबीटी की जो मीटिंग होती है, जो रियल मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं और सरकार के पास में ये चीज़ें पहुंचाई जाती है, वहाँ पर कुछ और ही खेल चल रहा है। केवल 3000 की बात हो रही है जिसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अप्रूव नहीं कर रही है। इसके बाद में पेज नंबर में सीधा ले चलता हूँ आपको 11 नंबर पर, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 नंबर है, इट वॉज इन्फॉर्म दैट मैटर ऑफ मेडिकल बेनिफिट टू पेंशनर इज अंडर डिस्कशन विद ईएसआईसी फॉर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन और प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द पेंशनर्स, पीएससी आल्सो हेयर द प्रपोजल ऑफ ईएसआईसी। तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी हो सकता है बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, ईएसआईसी से बात चल रही है, जो भी पेंशनर्स होते हैं ईपीएफ पेंशनर्स होते हैं उनको ईएसआई के थ्रू हो सकता है मेडिकल बेनिफिट दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने जो है शामिल कर लिया है, लेकिन जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की बात है 7500 उसको लेकर अभी असमंजस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल 3000 की बात की जा रही है जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक उस पर जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, हाल ही में जो मीटिंग हुई है 31 अक्टूबर 2023 को, उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग 18 जनवरी हाल ही में रिलीज हुआ है उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि अभी भी लगता है ये खेल बहुत आगे जाने वाला है, ये आंदोलन और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री इसमें फिलहाल कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में आप आएंगे तो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे जो भूपेंद्र यादव जी ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर, पूरी लेबर डिपार्ट
डिपार्टमेंट जो है, सारे मिनिस्ट्री यहाँ पर इस मीटिंग में अवेलेबल थे। सबको एनएससी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सबको पर्सनली मिलकर सब कुछ चीज़ें क्लियर करी है, सारी मांगे ईपीएस 95 जो पेंशनर है 7500 प्लस उनकी जो चार सूत्रीय मांगे हैं सब कुछ इन्होंने क्लियर किया सारी मिनिस्ट्री को। इसके बावजूद भी जब ये इस मीटिंग में आते हैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है, हम सभी पेंशनर को ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमें सच्चाई के बारे में पता चले और इसके बारे में आगे तक बात पहुंचे और जो आवाज़ उठाई जा रही है पेंशनर वर्द पेंशनरों की उसको और बल मिल सके। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने मिलने वाले उन पेंशनर के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा जो इस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जुड़े हुए हैं और आंदोलनरत हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।